Hello everyone, today we will discuss John Donne's poem, Death Be Not Proud. John Donne is a metaphysical poet and Death Be Not Proud is a sonnet. And in this poem, the poet talks of death in an unusual way. यह एक ऐसा सोनेट है जिसमें कवि बताता है कि मौत जो है वह इतनी भयावह इतनी डरावनी या सर्वशक्तिमान नहीं है जितना कि लोग उसे समझते हैं बल्कि यह तो नींद का ही एक रूप है जो कि सुखदायक भी नहीं है अर्थात यह महत्वहीन है पहले क्वाट्रेन में कवि कहता है कि मौत को गर्व नहीं करना चाहिए ना तो यह माइटी है और ना ही इतनी टेरिबल है जैसा कि लोग इसे समझ रहे हैं कवि कहता है कि यह माइटी नहीं है टेरिबल नहीं है यह मृत्यु की सोच है कि वह लोगों को मार देती है पर कवि को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में यह तो बिल्कुल ही शक्तिहीन है और इसे पूर डेथ कहकर भी संबोधित करता है वह कहता है कि लोगों के जीवन पर डेथ का कोई भी वश नहीं होता वह किसी को भी मार नहीं सकती सेकंड क्वाट्रेन में कवि कहता है कि स्लीप और रेस्ट ये भी पिक्चर्स मेयर पिक्चर्स हैं डेथ की तस्वीरें मात्र हैं पर विश्राम और निद्रा रेस्ट और स्लीप से हमें खुशी मिलती है हमें जॉय मिलता है और ये जो पिक्चर्स हैं हम जब सोते हैं रेस्ट लेते हैं ये तो हमें खुशी का भंडार देती हैं पर जब मौत आती है तो तब हमें और ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि जब इसकी जब मेयर पिक्चर्स ही हैं डेथ की रेस्ट एंड स्लीप जब वो हमें इतना रेस्ट देती हैं खुशी देती हैं तो डेथ तो हमें परमानेंट दे रही है ना वो रेस्ट तो हमें खुश होना चाहिए वह बस यही कहना चाह रहा है कि मौत इतनी भयावह नहीं है बल्कि यह तो हमें शांति देती है ग्रेट पीस देती है प्लेजर देती है तभी तो जो अच्छे लोग होते हैं वो इस दुनिया को जल्दी ही छोड़कर चले जाते हैं उनकी आत्माएं जो हैं मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं फ्री कर लेती हैं अपनी सोल्स को जो प्रिजन ऑफ देयर बॉडीज है ना है उनसे और वह सबकी बॉडीज को प्रोवाइड करती है रेस्ट थर्ड क्वाड्रेंट में यह कहना चाह रहा है कि वह सिद्ध करना चाह रहा है प्रूव करना चाह रहा है कि डेथ इज नॉट पावरफुल बल्कि ये तो स्लेव है फेट चांस किंग्स एंड विकेट मैन की क्योंकि इट लिव्स विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह कोई स्वतंत्र चीज नहीं है इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है बल्कि यह तो एक दास है जो हमारे फेट किंग्स और विकेट जो मैन होते हैं उनकी इस कमांड पे काम करती है और न ही यह हमारी निद्रा स्लीप का कोई भी अच्छा साधन है ओपियम एंड मैजिक ड्रग्स जो होते हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी नींद दिला सकते हैं उनकी और जब वो प्रोसेस चलती है ओपियम या अदर ड्रग्स लेकर हम सोते हैं तो उसमें हमें इतना पेन पीड़ा भी नहीं होती जितनी कि हमें मौत के समय होती है बल्कि ये जो मौत है ये एक छोटी सी नींद है और इसके बाद हम जब मौत होती है हम सो जाते हैं और जब हम उठते हैं तो हम सीधा स्वर्ग में उठते हैं वहीं हमारी आंखें खुलती हैं और जहां हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहां डेथ नाम तो कोई चीज है ही नहीं तो जो पोइट है वो रिडिक्यूल्स करता है डेथ को कहता है कि डेथ जो है खुद से मर जाती है जब हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं कपलेट में कवि कह रहा है कि जो हमारी डेथ है इज नथिंग मोर देन अ शॉर्ट स्लीप यह तो एक छोटी सी नींद है इसके अलावा कुछ नहीं है जब हम इस छोटी नींद के बाद जागते हैं तो हम
स्वर्ग में पहुंचते हैं, हेवन में पहुंचते हैं, और वहाँ मृत्यु का तो कोई साधन ही नहीं है। मनुष्य का जीवन अनंत होता है, कभी नहीं खत्म होने वाला है, एटर्नल है। और मैन सोल लिव्स ऑन फॉर एवर, इट नेवर डाइज। जो पोइट है वह कहता है कि डेथ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यह तो बल्कि हमें मार कर, खुद मर कर हमें स्वर्ग में जगा देती है। इन अदर वर्ड्स, डेथ हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन हेवन, देयर इट इज़ अ डेथलेस वर्ल्ड। पूरी कविता में कवि यही कहना चाह रहा है कि डेथ ना तो माइटी है और ना ही इतनी पावरफुल है। जब वह फर्स्ट क्वार्टरिन में बात करता है तो वह कहता है कि जो ये ना तो माइटी है ना ही ड्रेडफुल है, बल्कि ये तो पुअर डेथ है। और सेकंड क्वार्टर में वह कहता है कि ये तो जस्ट जो रेस्ट एंड स्लीप होते हैं, जस्ट मेयर पिक्चर्स ऑफ डेथ हैं, और जब वो हमें इतना आनंद देते हैं तो डेथ तो हमें ज़्यादा आनंद देनी चाहिए ना इसको तो, क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल ही रेस्ट देती है। और फिर थर्ड क्वार्टर में वह कहता है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है, इसमें पॉइजन, वॉर और सिकड जो विकेडनेस मैन होते हैं उनकी स्लेव है, उनके कमांड पर काम करती है। क्वार्टर में कहता है कि हम जब मर जाते हैं तो हमारी मृत्यु नहीं होती, बल्कि हम तो, हमारी आंखें स्वर्ग में खुलती है, हम तो जाग जाते हैं, मृत्यु खुद मर जाती है। अंदाज अगर देखें तो कवि यही कहना चाह रहा है कि वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है डेथ का, क्योंकि उसे पता है कि एक ना एक दिन तो यह आएगी ही। और वो यह भी कह रहा है कि इसकी खुद की ताकत थोड़ी ना है कोई, ये तो स्लेव है, दास है भाग्य की, संयोग की, राजाओं की और खतरनाक आदमियों की। और फिर वह यही बताना चाह रहा है कि मरने के बाद तो वह बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसकी सोल जो है, तो वह डेथ से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, बल्कि वह तो जानता है कि डेथ खुद मर जाती है। सो इस पोएम में बस वह यही मैसेज देना चाह रहा है कि डेथ माइटी नहीं है और उसे हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।